राजनगर मुंगावली में दोनों ही मुख्य पार्टियों के कद्दावर नेता मौजूद रहे। इस बीच जुबानी जंग भी देखने को मिली। कार्यकर्ता सम्मेलन में पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जहां सिंधिया पर विकास को लेकर हमला किया, तो वहीं सिंधिया के खास कहे जाने वाले प्रदेश के राजस्व मंत्री व कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव गोविंद सिंह राजपूत ने उनसे भी तलख अंदाज में नरोत्तम को जवाब दिया। इस दौरान गोविंद सिंह ने कहा कि नरोत्तम स्वयं सिंधिया के विरोध में चुनाव लड़ चुके हैं और इनको बड़े बहुमत से पराजय झेलनी पड़ी थी, इसलिए उनको मेरा सुझाव है कि यहां पार्टी के खजाने से हेलीकॉप्टर में पेट्रोल का खर्चा गुना शिपरी में ना करके अन्य किसी जगह पर करें तो अच्छा होगा, यहाँ आने जाने से कुछ नहीं होगा। साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि नरोत्तम मिश्रा की आंख का चश्मा शायद खराब है, इसलिए वो पहले आंख के चश्मे का नंबर बढ़वा लें, बाद में गुना शिपरी का विकास देखने आए। देखिए, नरोत्तम मिश्रा की आंख का चश्मा लगता है कमजोर है, उनको अपनी चश्मा की नंबर बढ़ाने के बाद में गुना शिवपुरी का विकास देखना चाहिए। गुना शिवपुरी में जितना विकास हुआ है, ये ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के सांसद बनने के बाद यहाँ मुंगावली हो, अशोकनगर हो, कोलारस हो, गुना हो, शिवपुरी हो, हर व्यक्ति जानता है कि जितने बड़े बड़े काम हैं वो सिंधिया जी यहाँ अपनी मेहनत, अपनी लगन और अपनी दम पर लाए।